डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट जो कि मॉड्यूल नंबर 2 है आपका, उसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक पार्ट है उसकी स्टडी कर रहे थे। हालांकि उसके पहले हमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजिज मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारी चीज डिस्कशन करने थे। बट चूंकि आप डिफरेंशियल कैलकुलस से खूब अच्छी तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट में ऐसी चीज उठाया जहाँ डिफरेंशिएशन की ही बात हो, और उनमें आपको सबसे पहले समझाया गया सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड नोटेशंस। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसे कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद नोटेशंस क्या होंगे, क्योंकि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के साथ लेबनीज भी आता है, लेबनीज थ्योरम, जिसके एप्लीकेशन से हम एनए डेरिवेटिव तक की बात करते हैं, उसे हायर डेरिवेटिव की भी बात करते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप किसी फंक्शन के एनएथ डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो उस फंक्शंस को हम लोग इसका मतलब एन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको यही समझाया गया है कि किसी फंक्शन को कंसीडर करके डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन, मतलब उसको सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करने के प्रोसेस को ही हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं कहते हैं। उसके बाद उसमें लेबनीज नोटेशन क्या होता है, मैकलारेंस नोटेशन क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको समझाई गई, लेकिन यहाँ पर हम लेबनीज नोटेशंस को फॉलो कर रहे हैं। उसी क्रम में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के क्रम में कुछ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फार्मूलाज के रूप में आपको बताए गए, अलजेब्रिक फंक्शंस लिया गया, ax plus b to the power m, और ax plus b to the power m का nth डेरिवेटिव क्या होगा वो समझाया गया। फिर आपको कहा गया ax plus b to the power m में अगर m पॉजिटिव इंटीजर है तो उस कंडीशन में nth डेरिवेटिव ऑफ ax plus b to the power m क्या होगा, अगर यम की जगह यन हो जाए, मतलब एनियथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी टू दी पावर यन हो तो क्या होगा, एम की जगह माइनस वन हो जाए तो क्या होगा, हायर डेरिवेटिव जब लोअर अलजेब्रिक पावर ऑफ एक्स पर ऑपरेट करेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये बहुत सारे पर्टिकुलर केसेस हम लोगों ने देखा। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का एनियथ डेरिवेटिव क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एनियथ डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एनए डेरिवेटिव क्या होगा, ये बहुत सारे डिस्कशंस हम लोगों ने कर लिए। फिलहाल आज हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं लेबनीज थ्योरम की। लेबनीज थ्योरम के एप्लीकेशंस की बात हम लोग करेंगे, तो पहले हम लेबनीज थ्योरम होता क्या है ये समझे। लेबनीज थ्योरम कहेगा इफ यू एंड वी आर एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स, देन ये पैरामीटर एक्स के बजाय कुछ और भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, बट ये कहा जा रहा है कि इफ यू एंड वी आर एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स, देन लेबनीज स्टेट्स दैट एनियथ डेरिवेटिव ऑफ यू वी इक्वल्स एन सी जीरो इंटू nth derivative of u into v plus n c1 into n minus 1th derivative of u into first derivative of v plus n c2 into n minus 2th derivative of u into second derivative of v and plus dot dot in such a manner ncr
इंटू एन माइनस आरियथ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू आरियथ डेरिवेटिव ऑफ वी, आरियथ डेरिवेटिव ऑफ वी डॉट 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 प्लस एन सी एन इंटू यू इंटू एन एथ डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। देखा जाए क्या कहा गया है आपसे, कहा गया इफ यू एंड वी आर एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स, एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स देन द एनीथ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एनीथ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू एन सी जीरो इंटू एन एथ डेरिवेटिव ऑफ टू। कुछ राइटर्स इसको ऐसे भी लिखते हैं यू भी, जो लेबनीज नोटेशन है उसके अकॉर्डिंग यू भी और सफिक्स एस लिखा, आप ये भी जान रहे एन लिखा हुआ सफिक्स एस, इसको जानते हैं कि इसको भी हम पढ़ सकते हैं एन एथ डेरिवेटिव ऑफ यू भी इज इक्वल टू एन सी जीरो इंटू यू एन, यू एन मीन्स एन एथ डेरिवेटिव ऑफ एन सफिक्स है इंटू भी प्लस एन सी वन इंटू यू एन माइनस वन मीन्स एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ भी वी वन लिखा गया, वी वन मतलब वी का फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एन माइनस टू एथ डेरिवेटिव ऑफ यू को ऐसे लिखते हैं यू एन माइनस टू इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वी को लिखा वी टू एंड प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी आर इंटू एन माइनस आर एथ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू आर एथ डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन वन हो गया इंटू यू इंटू वी एन वी का एनी एथ डेरिवेटिव यू। तो एक्चुअल में ये जो लिखा है इन टर्म्स ऑफ लेवलीज नोटेशन लिखा हुआ है। आपको हमने समझाया था कि अगर कोई दिया गया फंक्शन y इक्वल्स एफ एक्स है और अगर हम y को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसे हम dy अपॉन dx लिखते हैं, इंटरमीडिएट में आते हैं। इस dy dx को अगर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर d के रूप में डिनोट कर दें तो इसे हम d ऑफ y से भी डिनोट कर सकते हैं, और d ऑफ y को अगर हम लेबनीज नोटेशन में लें तो हम ऐसे लिखते हैं y1x, जहां सफिक्स 1 बता रहा है कि y को एक बार ब्रैकेट में जो टर्म लिखा हुआ बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया गया। फिर से समझ लें y1x मींस y इज डिफरेंशिएटेड वंस ए टाइम विद रिस्पेक्ट टू x, और जब हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि इनडिपेंडेंट वेरिएबल y के साथ x ही है तो हमको y1x भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ क्या लिखते हैं y1 लिखते हैं। okay? y1 means first derivative of y with respect to x। फिर ऐसे ही जब हम dy by dx को x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो हमें मिलता हुआ हो जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इट इज नोन एज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बट इसको जब हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के टर्म में ऐसे लिखें तो डी स्क्वायर ऑफ y लिखेंगे, डी मीन्स डी बाई डी एक्स, तो डी स्क्वायर मीन्स क्या हो गया डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। फिर ऐसे ही अगर इसे हम लेबनीज नोटेशन में लिखें तो वाई टू एक्स लिख रहे हैं, तो सफिक्स टू क्या बता रहा है कि वाई को दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, और ब्रेकेट में जो एक्स लिखा हुआ है वो बता रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया है। हाँ, जब आपसे कहा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को अच्छी तरीके समझते हैं
तो y2 x लिखने के बजाय हम y2 भी लिख लेते हैं। ये बात ध्यान में रखना कि y2 x को ही y2 कहा गया है, ये बात क्लियर रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कहें पुट x इक्वल जीरो इन y2 x, क्योंकि y2 में x है ही कहाँ। तो हमने आपसे यही कहा कि जब हम अच्छी तरीके से समझने लगते हैं इस नोटेशन को, तो y1 x को हम y1 भी कह लेते हैं और समझ रहे होते हैं कि उसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में x मौजूद है। ऐसे ही y2 x को भी हम जब समझने लगते हैं तो उसे स्टार्ट में y2 भी कह लेते हैं। तो ऐसे ही अगर आप कंटिन्यूइंग प्रोसेस में चलते हैं तो d टू दी पावर n y अपॉन dx टू दी पावर n को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं d टू दी पावर n y के रूप में, और d टू दी पावर n y को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं yn x से, और yn x को हम किससे डिनोट करते हैं yn से, n सफिक्स है, जो बता रहा कि y को n टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो अगर yn ये बता रहा कि y को n टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, तो सेम वैसा ही नोटेशन तो यहां भी लिखा vn, vn मींस v को n टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, v2 मींस v को ट्वाइस टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, बट u n 2 माइनस u n माइनस 2 मींस कि u इज डिफरेंशिएटेड n माइनस 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही यहां कह दे रहा है un, un का मतलब क्या है, u इज डिफरेंशिएटेड n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहां v के साथ कोई सफिक्स नहीं है, इसका मतलब v को एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। अब अगर इतनी बात आपको याद आ चुकी, समझ में आ चुकी है, तो हमने आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बताते समय जो लेबनीज नोटेशन बताया था उसे समझाने की कोशिश किया, लेबनीज नोटेशन को फिर से, और लेबनीज थ्योरम इन टर्म्स ऑफ लेबनीज नोटेशन कैसे लिखा जा सकता है वो आपको समझाए। अब आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ एन एस सी जीरो, इस फार्मूले से देख लिया जाए, थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको आसान लगेगा। यानी सी आर इक्वल्स हम जानते हैं वो तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस है, तो ऐसे एन सी जीरो को लिखते हैं फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल जीरो इंटू फैक्टोरियल एन माइनस जीरो, कुल मिलाकर जाएगा फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल जीरो मीन्स वन एंड फैक्टोरियल एन मीन्स एन, दिस इज इक्वल टू वन। तो आप इस फार्मूले को यानी डेरिवेटिव आप यूवी को आप ऐसे भी पढ़ सकते थे, अगर ये समझ में आता कि तो वन ही है तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं एन एट डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी, इनका कोई डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। अब एन सी वन मीन्स क्या होता है वो समझा जाए, एन सी वन मीन्स हो गया फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, फार्मूला मिला लीजिए इसी से लिख दो, फैक्टोरियल एन को आप जानते हैं एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल वन इज वन और ये हो गया फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये फैक्टोरियल एन माइनस वन से फैक्टोरियल एन माइनस वन कैंसिल हो गया, कुल मिला के एन अपान वन दैट इज इक्वल टू एन आ गया। फिर ऐसे ही एन सी टू कर दिया, एन सी टू करेंगे तो फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू, ये हो गया फैक्टोरियल एन का मतलब हो गया एन एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू अपॉन टू मीन्स टू इंटू वन और ये होगा फैक्टोरियल एन माइनस टू, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, फाइनली एन सी टू मीन्स मिला एन एन माइनस वन अपॉन टू। ऐसे ही अगर एन सी थ्री आपके सामने आता है तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल एन माइनस थ्री, फैक्टोरियल एन मीन्स हो गया एन एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू फैक्टोरियल एन माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री मीन्स हो गया थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस थ्री, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, फाइनली जो रिजल्ट मिला वो गया एन
n माइनस वन n माइनस टू अपॉन थ्री टू वन मीन्स हो गया सिक्स। तो आप ये देख चुके हैं कि n से जीरो मीन्स वन, n से वन मीन्स n, n से टू मीन्स n n माइनस वन अपॉन टू, n से थ्री मीन्स n n माइनस वन n माइनस टू अपॉन सिक्स। ऐसे एन सी फोर क्या होगा, एन सी फाइव क्या होगा, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। अब फिर से हम आपके सामने बोल देते हैं लेवरेज थ्योरम क्या है। इफ यू एंड वी आर एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स, देन एनीथ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस यू एंड वी इक्वल्स एन सी जीरो इंटू एन एथ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू पी प्लस एन सी वन इंटू एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस एन सी टू इंटू एन माइनस टू एथ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वी एंड डॉट डॉट सो वन। मतलब इसका अगला स्टेप जब आप देखेंगे तो वो क्या आएगा, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू, अगला स्टेप क्या आएगा, एन सी थ्री इंटू एन माइनस थ्री एथ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वी। तो इसको आसान करना भी याद है, याद करना भी आसान है। और यहाँ भी देखेंगे एक तरीके से अंतिम क्या हो रहा है, जब यू का कोई डेरिवेटिव नहीं और वी का कौन सा हो गया, एन एथ डेरिवेटिव। तो लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। हाँ, एन सी एन क्या होता है, क्या ऐसा तो नहीं लेफ्ट टू राइट राइट टू एन, तो ये भी तो देख लीजिए कि ये हो जाएगा फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस एन एंड दिस इज इक्वल फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोर जीरो। इससे यह कैंसिल होगा, फैक्टोर जीरो इज इक्वल टू क्या होता है वन, तो वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन, तो एन सी जीरो तो भी वन, एन सी एन तब भी वन। यहाँ यू के एन एट डेरिवेटिव से शुरू कर रहे हैं, वी का कोई डेरिवेटिव नहीं है, और यहाँ देखेंगे वी का एन एट डेरिवेटिव इंटू यू है। तो आप इनमें दोनों में से किसी एक को यू और दूसरे को वी मान करके आप प्रोसीड इस फार्मूले का लेवरेज थ्योरम का एप्लीकेशन ले सकते हैं। लेकिन लेकिन थोड़ी सी एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि अगर दिए गए जिस प्रॉब्लम का एन एट डेरिवेटिव लेबनीज की हेल्प से आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि नॉर्मली 98% केसेस में हम अलजेब्रिक फंक्शंस को यू ना मान करके भी मानते हैं। तो मैक्सिमम टाइम, गारंटी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का यानी डेरिवेटिव हमें लेना है तो उस कंडीशन में हम अलजेब्रिक फंक्शन को भी मानते हैं। क्यों, एक रीजन देखते हैं, कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लिया का फाइंड एनियर डेरिवेटिव, एनियर डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। यह आपका प्रॉब्लम ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का एनियर डेरिवेटिव क्या होगा, ये फाइंड आउट करिए। देखेंगे जिसका एनियर डेरिवेटिव जिस फंक्शन का पूछा जा रहा है पर टोटली ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और इस टोटल फंक्शन में से एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है। एक एक्सपोनेंशियल है और दूसरा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। इसका फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होंगे, ये भी देखेंगे ई टू द पावर एक्स भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन का एनियर डेरिवेटिव आपसे रिक्वायर किया जा रहा है, रिक्वायर्ड मांगा जा रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के एनियर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए इसमें से कहा गया एक को हम यू मानेंगे दूसरे को भी मानेंगे। तो जब सॉल्यूशन पे आएंगे आप
तो कहेंगे आपको समझाया गया अभी थोड़ी देर पहले रिमार्क के बतौर हमने बोला था कि नॉर्मली अलजेब्राइक फंक्शन को टी मानते हैं, तो इसका मतलब ई टू दी पावर एक्स को क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे, और भी किसको मान लिया, एक्स स्क्वायर को। तो अगर यू की जगह ई टू दी पावर एक्स है, भी की जगह एक्स स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड देखिए पहले यू का एन एथ डेरीवेटिव आएगा, देन एन एथ डेरीवेटिव ऑफ यू मीन्स एन एथ डेरीवेटिव ऑफ ई टू दी पावर, दोनों साइड का एन एथ डेरीवेटिव लिया। और आप जानते हैं कि दहया फंक्शन ई टू दी पावर एक्स एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको कैलकुलस में जितनी बार मन कहे डिफ्रेंशिएट करिए और जितनी बार मन कहे इंटीग्रेट करिए वही कब वही रहेगा। इतनी बात आप जानते हैं पहले से, तो ई टू दी पावर एक्स का इन डेरिवेटिव वैसे बताया भी गया है और होगा क्या ई टू दी पावर एक्स। फिर देखिएगा दूसरा का जरा वी का कोई डेरिवेटिव नहीं रहेगा, मतलब वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही रहेगा। नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो यू का एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव, तो यू का जब एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव देखेंगे का एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव बाकी, तो अगर यू का एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव तो यू दी पावर एक्स का भी एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव, और यह भी क्या आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा। फिर क्या लिखा डी ऑफ वी, डी ऑफ वी का मतलब हो गया डी ऑफ एक्स स्क्वायर, और डी ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया टू एक्स, एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव टू एक्स। फिर एन माइनस टू एथ डेरिवेटिव ऑफ यू मीन्स एन माइनस टू एथ डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स एंड दैट इज ई टू दी पावर एक्स। फिर ऐसे ही एक्स का भी का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, भी का सेकेंड डेरिवेटिव लिया, तो क्या डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव टू एक्स आया है, टू एक्स को एक बार मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव होता है वही सेकेंड डेरिवेटिव कहलाता है, तो टू एक्स का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करें तो सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा, तो टू ऐसे ही रहेगा और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है वन, कुल मिला के आ गया टू। आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट आ चुका है, तो अब इसलिए अगर इस स्टेप से आगे हम बढ़ते हैं तो एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव आएगा वह जीरो होगा, एक्स स्क्वायर का फोर्थ डेरिवेटिव होगा वो भी जीरो होगा, और आपको बताया भी गया है समझाया भी गया है कि जब हायर डेरिवेटिव लोअर अलजेब्रिक पावर ऑफ एक्स पर ऑपरेट करता है तो जो रिजल्ट आता है वह जीरो होता है। तो अगर इतनी सी बात आपको समझ आए कि व्हेन हायर डेरिवेटिव एक्स ऑन लोअर पावर्स ऑफ एक्स ऑपरेट्स ऑन लोअर पावर्स ऑफ एक्स अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ एक्स, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या आता है जीरो, और जब सेम डेरिवेटिव सेम पावर ऑफ एक्स पर ऑपरेट करता है तो जो रिजल्ट आता है वह कांस्टेंट होता है, ये भी आपको मालूम है। सेम डेरिवेटिव जब सेम पावर ऑफ एक्स पर ऑपरेट करता है तो रिजल्ट क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो फिलहाल ये हम लोगों ने दिख दिया, जरूरत पड़ेगी तो आगे आप इसी तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। अब आप यहां से आप कहेंगे नाउ बाय लेबनीज थ्योरम, और नाउ बाय लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम से हो जाएगा एन एथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स। देखिएगा ये और भी की जगह सब चीज़ क्या फार्मूला हम सीधे अप्लाई कर रहे हैं, एन सी जीरो मीन्स होता है वन, वो नहीं लिख रहे हैं, एन एथ डेरिवेटिव ऑफ यू, यू आपने कहा ई टू दी पावर एक्स इंटू भी, भी की जगह क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन मीन्स क्या होता है आपको समझाया गया था फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, और जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया था तो फाइनली आपको एन सी वन मीन्स मिला था यहाँ। फिर लिखा हुआ है एन माइनस वन एट डेरिवेटिव ऑफ यू, तो एन माइनस वन एट डेरिवेटिव ऑफ यू मीन्स ई टू द पावर एक्स,
इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ भी द डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू मीन्स होता है एन एन माइनस वन अपॉन टू इंटू एन माइनस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ यू टू मीन्स ई टू द पावर एक्स इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ भी भी मीन्स एक्स स्क्वायर ओके प्लस डॉट 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 सो ऑन इस तरीके से फार्मूले में आपने इसको फीड कर दिया धीरे धीरे आपकी तेजी से आदत पड़ जाने चाहिए लेकिन अभी इस तरीके से फीड कर दिया अब यह क्या हो गया एनियथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का एनियथ डेरिवेटिव क्या होता है वो आपको पहले से मालूम है ई टू द पावर एक्स होगा तो हो गया ई टू द पावर एक्स और एक्स स्क्वायर है सच रहा प्लस एन सी वन एन हो गया एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव जो आएगा वह टू एक्स होगा निकाल चुके हैं आप प्लस ई टू दी पावर एक्स का एन माइनस वन एट डेरिवेटिव भी ई टू दी पावर एक्स ही होगा प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू इंटू ई टू दी पावर एक्स का एन माइनस टू एथ डेरिवेटिव वह भी आप देख रहे हैं दैट इज ऑल्सो ई टू दी पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टू एक्स आया है तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा वो टू हो गया चूंकि अब यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लिख रहे हैं उसका कारण बोला है चूंकि वी का मतलब एक्स स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट आ चुका है इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप में आता हुआ एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव होता एक्स स्क्वायर का फोर्थ डेरिवेटिव होता एक्स स्क्वायर का फिफ्थ डेरिवेटिव होता तो जब हायर डेरिवेटिव लोअर पावर ऑफ एक्स पर ऑपरेट करता तो रिजल्ट जीरो आता जाता इसलिए डॉट डॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है अब अगर ये सारी बातें आपके समझ में आ चुकी हैं तो देखिए एनियथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू क्या मिला आपको समराइज कर दीजिए एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस टू एन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इस टू से यह टू कैंसिल हो गया बचा क्या एन एन माइनस वन इंटू ई टू द पावर एक्स इसको ऐसे भी ले सकते हैं एनियथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू इस पूरे में ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन और इंटू ब्रैकेट के बाहर हो गया ई टू द पावर एक्स ये रिजल्ट आ गया आपका तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता तो आपसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको ये समझाने की कोशिश किया कि एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का एनियथ डेरिवेटिव क्या होगा अब अगर ये बात आपके समझ में आने लगी कैसे वर्किंग हमको करना है किस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जा सकता है आपसे ये कहा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइंड सेकेंड थर्ड एलेवेंथ डेरिवेटिव्स एंड सो ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स तो ये प्रॉब्लम अगर आपके सामने आता है तो आप ये सोचेंगे कि अच्छा चलो मान लेते हैं सोल्यूशन के लिए ये सोच सकते हैं मान लेते हैं कि y इक्वल्स एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स है अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हैं चूंकि कहा गया सेकेंड डेरिवेटिव का कोई बात नहीं एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे दूसरे को सेकेंड फंक्शन मान लेंगे और मान करके हम जैसे इंटरमीडिएट में करते थे वैसे करते हैं चलो बात आपकी बन गई थर्ड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा कह रहे जो सेकेंड डेरिवेटिव आया है उसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो थर्ड डेरिवेटिव भी आ जाएगा कहे लेकिन ये अलेवेंथ डेरिवेटिव कहा गया और कहा जा रहा है विद इन ए मिनट आप आंसर दो कह भाई एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स को जब हम अलेवन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तब ना प्रॉब्लम का सलूशन देंगे
तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, इतना लंबा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो सीधे लेवरेज को अप्लाई करने की जरूरत है। लेवरेज चूंकि आपके सामने अभी है देन इसी का डी टू द पावर एन वाई अपॉन डी एफ टू द पावर एन, यानी डेरिवेटिव लेवरेज से निकाल लेंगे, मतलब सीधे आप कह रहे हैं एनियथ डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई मीन्स एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू क्या कहा है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस टू एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू ई टू दी पावर एक्स, आपने यही कहा है। आपको चाहिए क्या सेकेंड डेरिवेटिव, आप पुटिंग एन इक्वल्स टू वी गेट, इसको अगर इक्वेशन नंबर वन कह देना तो एन इक्वल्स टू रखेंगे तो क्या आएगा डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, एन इक्वल्स टू रखेंगे तो यह आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एन इक्वल्स टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा फोर एक्स, टू इंटू टू फोर एक्स, एन इक्वल टू रखेंगे तो टू माइनस वन वन हो जाएगा और वन इंटू टू टू आ जाएगा प्लस टू इंटू ई टू दी पावर एक्स, ये आपको एक रिजल्ट मिल गया फर्स्ट से। ऐसे ही अगर थर्ड डेरिवेटिव की बात आपसे की गई है तो उसको भी देख लिया जाए, तो उसको भी कैसे फाइंड आउट आप कर सकते हैं। अब आप क्या कहेंगे कि पुटिंग एन इक्वल्स थ्री इन वन, चलिए भाई ये भी रखते हैं, देखा जाए क्या मिलेगा, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स, एन इज इक्वल टू थ्री रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, एन इक्वल थ्री रखेंगे थ्री माइनस वन टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स प्लस सिक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, देखिए ये भी तत्काल रिजल्ट आपको मिल गया। फिर कहा पुटिंग, अब कौन सा डेरिवेटिव आपको चाहिए, अब हमको चाहिए एलेवेंथ डेरिवेटिव, इसका मतलब अब इस फार्मूले में एन की जगह क्या रखेंगे एलेवन का पुटिंग एन इक्वल्स एलेवन इन इक्वेशन वन वी गेट, क्या मिलेगा ये भी देख लिया जाए, एन इक्वल्स एलेवन रखेंगे तो एलेवन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स इक्वल्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस टू एन एक्स, एन इज इक्वल टू एलेवन का टू इंटू एलेवन दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी टू, तो क्या ट्वेंटी टू एक्स प्लस एलेवन इंटू एलेवन माइनस वन, एलेवन माइनस वन दैट इज टेन, टेन इंटू एलेवन दैट इज हंड्रेड टेन हो जाएगा हंड्रेड टेन इंटू ई टू दी पावर एक्स, ये आ गया आपका, तो ये रिजल्ट आपको मिल गया। इसका मतलब हुआ कि अगर आपसे ये कहा गया होता कि नहीं एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स का सौवां डेरिवेटिव क्या होगा तो भी आप विद इन ए मिनट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये नहीं तो उसे सौ बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। तो आज हम लोगों ने जो देखा कि शख्स लेबनीज थियरम होता क्या है, उसके नोटेशंस को समझा और एक हल्का सा प्रॉब्लम लेकर के उसका एनियट डेरिवेटिव लेबनीज थियरम के हेल्प से निकाला, साथ ही साथ यह भी कोशिश किया कि अगर एनियट डेरिवेटिव निकल जा रहा है तो उससे अपने को क्या फायदा मिल रहा है, तो अपने को फायदा ये मिल रहा है कि आपसे आप चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत हो, चाहे हंड्रेड डेरिवेटिव की जरूरत हो, चाहे टू हंड्रेड डेरिवेटिव की जरूरत हो, चाहे उसका पांचवां डेरिवेटिव पूछा जाए, आपको टाइम स्पेंड नहीं खर्च करना है, विद इन मिनट टू मिनट्स आप सारे प्रॉब्लम का आंसर दे सकेंगे, मतलब पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। अब इस पर बेस्ड और प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स।